मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराज़गी की वजह ये है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूँ। तो बच्चों की नाराज़गी जायज़ है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है, मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज़्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराज़गी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूँ कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना गुस्सा मुझ पर किया। मीडिया ने गुस्सा क्यों किया? क्योंकि चैनल्स को व्यूज़ चाहिए, और जिसके नाम पे व्यूज़ मिलते हैं, अभी तुक्के से पिछले कुछ समय से मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो मेरा नाम लिख के गाली देने में व्यूज़ ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर रहता है। तो सबकी अपनी अपनी